मैं हूं देवांशी आशर एंड वेलकम टू 5 पैसास कंपनी कॉर्नर सीरीज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के कंपनी टाटा पावर की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी के ओवरव्यू, फाइनेंशियल्स, पीयर कंपैरिजन, इंडस्ट्री ओवरव्यू एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की। टाटा पावर टाटा ग्रुप की वो कंपनी है जो 100 साल से भी ज़्यादा टाइम से चलती आ रही है। इस कंपनी का नाम पहले टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई हुआ करता था और उसके बाद चेंज होकर टाटा पावर हो गया। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस समझते हैं। टाटा पावर इंडिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, यानी इसका बेसिक काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ट्रांसमिट करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करना। बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो कंपनी के कई सारे बिजनेस सेगमेंट्स हैं। सबसे पहला है पावर थ्रू कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल जनरेशन, जिसमें थर्मल पावर, रिन्यूएबल्स, हाइड्रो पावर जनरेशन आता है। इस सेगमेंट में कोल माइनिंग ट्रेडिंग भी इंक्लूडेड है। दूसरा सेगमेंट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, रिटेल कस्टमर्स को जो पावर सप्लाई करके रेवेन्यूज आते हैं, इस सेगमेंट का ये पार्ट है। थर्ड है पावर ट्रेडिंग, दैट इज पावर ट्रेडिंग थ्रू एक्सचेंजेस। फोर्थ है नेक्स्ट जनरेशन पावर सॉल्यूशंस, जिसमें सोलर रूफटॉप, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, होम ऑटोमेशन एंड माइक्रो ग्रिड्स जैसे बिजनेसेस इंक्लूडेड हैं। कंपनी की टोटल कैपेसिटी 13,515 मेगावाट है। टाटा पावर क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी में एक लीडर है एंड टोटल जनरेशन कैपेसिटी में 33% कॉन्ट्रीब्यूशन क्लीन एनर्जी का है। कंपनी का फिलहाल फोकस क्लीन एनर्जी जनरेशन की कैपेसिटी को बढ़ाने पर है। इसके अलावा ईवी चार्जिंग स्टेशन कंपनी के लिए एक गेम चेंजर रहा है। टाटा पावर के पास अक्रॉस द कंट्री 1,000 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस हैं और इंडिया में ये माइलस्टोन अचीव करने वाली ये पहली कंपनी है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पर फोकस करते हैं। तो पिछले 3 साल में रेवेन्यूज की बात करें तो 13% सीएजीआर ग्रोथ देखने मिली है, लेकिन प्रॉफिट्स में 10% का डी ग्रोथ देखने मिला है। दरअसल कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट्स पर इंपैक्ट देखने मिला है। कंपनी का नेट डेट लगभग 35,950 करोड़ के पास है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी हर साल 2.25 रुपये का डिविडेंड देती है। इस साल भी कंपनी ने 1.75 रुपीज प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। कंपनी ने 1 जनवरी 2000 से लेकर अब तक कोई भी बोनस अनाउंस नहीं किया है। अब शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 सालों में टाटा पावर ने बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। स्टॉक 242% बढ़ा है, जहां पे निफ्टी में पिछले 3 साल में करीब 39% तक के ही गेंस देखने मिले हैं। अब पीयर कंपैरिजन करें तो ट्रेलिंग पीई के हिसाब से टाटा पावर, अदानी पावर एंड अदानी ट्रांसमिशन सबसे एक्सपेंसिव हैं। हालांकि ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, लेकिन अगर इन तीनों में से अगर आप कंपेयर करते हैं तो रिटर्न वाइज अदानी पावर ने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अब बात करते हैं इस पूरे इंडस्ट्री की। तो इंडिया में पावर इंडस्ट्री की बात करें तो एज ऑफ जनवरी 2022 इंडिया तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है ग्लोबली। इंडिया की करंट इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी लगभग 399 गीगावाट है। हर साल टोटल जनरेशन लगभग 7-8% तक ग्रो करता है। पावर फॉर ऑल के चलते इस इंडस्ट्री को सरकार से भी काफी इंपॉर्टेंस मिल रहा है। इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए कई सारी पॉलिसी एडवांटेजेस दिए गए हैं, जैसे कि 100% FDI। दिसंबर 2021 में टोटल FDI इन्फ्लोज का 3% पैसा पावर सेक्टर में आया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी कि CEA ने 2030 तक इंडिया में पावर की डिमांड 817 गीगावाट तक पहुंचने का भी एस्टिमेट दिया है। सो इंडस्ट्री में डिमांड काफी बढ़ रही है एंड सप्लाई बढ़ाने पर गवर्नमेंट भी पूरा फोकस कर रही है। लास्टली अब बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की। इंडिया में क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने पर काफी फोकस है। टाटा पावर भी अपने रिन्यूएबल प्रोडक्शन को बढ़ाने पर ही लगातार काम कर रही है। करंटली अगर आप देखें तो रिन्यूएबल पावर उनके टोटल जनरेशन में 30% तक कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन कंपनी का 2030 तक रिन्यूएबल कैपेसिटी को 80% तक करने का टारगेट है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कंपनी से जुड़े इन्फॉर्मेशन के लिए 5 पैसा को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें।